हेलो गाइस, मेरा नाम राजकुमार आहूजा है और डॉट आहूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन है, वे वेदों के अनुसार गरुड़ पुराण में और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की आठ तरह की दशा होती है, यानी आत्मा की आठ तरह की दशा होती है। गति में कहते हैं कि इस मूलत दो भागों में बांटा जाता है, पहला अगति और दूसरा गति। जी हाँ, पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है इस धरती के ऊपर, मृत्यु लोक के ऊपर। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है, यानी अगति के चार प्रकार हैं और शिंदर्क, भूमदर्क और तृतीया अगति और चतुर्थ अगति के शिंदर्क अगति में जीव पुनः आत्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतोषा जीवन जीता है, और भूमदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है, और तृतीय में अगति में नीच यानि पशु का जीवन का जन्म लेना पड़ता है, और चतुर्गति में वह कीट कीड़े मकोड़ों का जैसा जीवन पाता है। वह गति अंतर्गत चार लोक दिए गए हैं और इस जीव अपने कर्मों के अनुसार गति चार लोक के ब्रह्म लोक को, देवलोक को और पितृलोक को और नरक लोक को स्थान में पाते हैं। जिन जीवों ने अच्छे कर्म किए हैं, भगवान की साधना की है, भक्ति की है, पूजा की है, ध्यान लोक की है, वह ब्रह्म लोक को जाते हैं। जिन लोगों ने अच्छी दया से दान पुण्य किया है, अच्छे कर्म किए हैं, माता पिता की सेवा की है, वे देवलोक को जाते हैं। और जिन लोगों ने दुष्कर्म किए हैं, पाप किए हैं, वे अनगिनत में दिए गए हैं, वह नरक लोक को जाते हैं। और जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है, पुण्यात्मा की है, बिना भेदभाव से किए है माता पिता की सेवा, वे पितृलोक को जाते हैं। और जिन लोगों ने अनगिनत पाप किए हैं यानी दुष्कर्म किए हैं, इनका वर्णन करना तो असंभव है, वह जाते हैं नरक लोक को, और लोग नरक लोक का स्थान पाते हैं। धन्यवाद इस वीडियो में।